say the wrong things. Ruined every special moment that I've been in. Try to let myself free, enjoy the moment. But my mind can never let me have a moment. I like to think about the things I don't have. Always living in the past, why do I do that? Never fun with what I got. कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो, रुक जाइए। आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ, पहले उसे लगा लीजिए, उसके बाद आराम से आप कहीं भी जा सकते हो। क्योंकि आज जो मैं फेस पैक लेकर के आई हूँ वो आपकी स्किन को वाइटन करने वाला है, आपकी स्किन को ब्राइटन करने वाला है। और किसी भी शादी पार्टी में अगर जाने की सोच रहे हो, इस पैक को लगाते हो तो आप जहाँ भी जाएंगी सब बस आपसे ही पूछते रहेंगे कि ऐसा कौन सा फेस पैक आपने लगाया है जिसके कारण आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लग रही है। तो आज का वीडियो देखना 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ छवि। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो इंस्टेंट आपकी स्किन को वाइटन करने वाला है, आपकी स्किन को ब्राइटन करने वाला है और आपकी स्किन को टाइटन भी करने वाला है। बट टाइटन जो है एक बार में नहीं करने वाला है, टाइटन अगर इस पैक का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो तब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइटन, धीरे 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 आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है वो टाइट भी होने लगी है। लेकिन इंस्टेंट और वाइटन और ब्राइटन तो चुटकी में करने वाला है। यानी कि इस फेस पैक को आप लगाएंगे, फेस को आप वॉश करेंगे और आपको लगेगा कि वाओ क्या मेरी स्किन लग रही है। तो सुपर से भी ऊपर वाला ये फेस पैक है। इसको बनाना बहुत आसान है, इसको लगाना भी बहुत आसान है। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसे सब्सक्राइब कर दें। बाजू में एक बेल आइकॉन है, इसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस पैक को कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं वो सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कौन से स्किन टाइप्स को कैसे इस पैक को लगाना है। जैसे आज मैं बता रही हूँ वैसे ही अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ आपकी स्किन वाइटन और ब्राइटन नहीं होने वाली है, आपकी स्किन के ऊपर से दाग धब्बे भी धीरे धीरे लाइट हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए पैक को बनाते हैं। तो इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है कॉफ़ी। मेरे पास नेस्कैफे है इसलिए मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास कोई भी ब्रांड का कॉफ़ी हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर मोटा हो तो उसको थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले तभी उसका अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल करें। तो 1 स्पून मैं कॉफ़ी ली हूँ। उसके अंदर जो मैं सेकेंड इन्ग्रीडियंट ऐड कर रही हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुल्तानी मिट्टी के साथ, क्योंकि अभी विंटर सीजन शुरू हो चुका है, तो आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हो 1 स्पून। कोई टेंशन की बात नहीं है, मुल्तानी मिट्टी आप लगा सकते हो विंटर सीजन में भी। 1 स्पून मैं मुल्तानी मिट्टी ली हूँ, 1 स्पून मैं हनी ली हूँ। अब मैं जो इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है ऑरेंज पील पाउडर। मेरे पास सारे जो है हर टॉनिक के हैं, आपके पास आपका कोई भी फेवरेट ब्रांड हो आप ले सकते हो। तो 1 स्पून मैं ऑरेंज पील पाउडर भी ली हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कर्ड यानी योगर्ट जिसे दही कहते हैं, और इन सबको आपको दही उतना लेना है जो कि एक अच्छा सा पैक आपका बन के रेडी हो जाए। अगर आपको दही सूट नहीं करता है यानी योगर्ट कर्ड जिसे कहते नहीं सूट करता है, तो आप इसके जगह पे रॉ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे पुणे ब्लॉगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, पुणे ब्लॉगर छवि, तो जाएं मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। अब पैक बन के हो गया है रेडी। अब आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश, मीन्स आपके फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। मैं रोज़ वाटर स्प्रे की हूँ, कंपलसरी नहीं है, बट आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे उसकी बहुत गंदी वाली आदत है। तो साफ़ सुथरे फेस के ऊपर आपको अपने पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर आपको लगाना है। मैं इसे अंडर आई भी लगा रही हूँ क्योंकि अगर अंडर आई मेरे जैसे अगर आपको हल्का सा डार्क सर्कल है तो ये आपके डार्क सर्कल को भी जो है वो लाइटन और ब्राइटन करता है, यानी कि डार्क सर्कल के ऊपर भी आपको काम करता है। तो फेस और नेक के ऊपर मैं तकरीबन 15 to 20 मिनट्स रखूँगी और 15 से 20 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, अच्छे से हल्का सा गुनगुने पानी से या फिर आप नॉर्मल ठंडे पानी से भी फेस को आप वॉश कर सकते हो। तो 20 मिनट्स हो गए हैं, मैं फेस को वॉश कर चुकी हूँ, बट अपने नेक के ऊपर अभी लगा छोड़ी हूँ। जब मैं सार लेने जाऊँगी तब मैं वॉश करूँगी। देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो गई। तो आपने देख लिया कि इस पैक को बनाते कैसे, इस पैक को लगाते कैसे, लेकिन लगाने के बाद इसका रिजल्ट भी आपने देख लिया।
अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन से स्किन टाइप को कैसे लगाना चाहिए। जैसे कि मैं बताई हूँ आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है, आपको ऑरेंज पील पाउडर लेना है और कॉफ़ी पाउडर लेना है। ये उनके लिए जिनकी स्किन बहुत एक्सेस ऑयली है, तो उनको ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी, और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो भी, आप इन तीनों पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बहुत ऐसी मेरी बहनें हैं जिन्हें ऑरेंज पील पाउडर सूट नहीं करता है, या फिर ऑरेंज पील पाउडर वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब आप इसके जगह पे जो है राइस फ्लावर यानी कि चावल के आटे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उनके लिए जिनको ऑरेंज पील पाउडर भी सूट नहीं करता और साथ ही साथ उनको कॉफ़ी भी सूट नहीं करता है, तो वो इस पैक का इस्तेमाल कैसे करें। तो अगर आपको इन दो ये दोनों ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन सूट नहीं करता है, या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है, या फिर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, तब आप इस्तेमाल करने वाले हैं। इस्तेमाल करना है आपको मुल्तानी मिट्टी, कर्ड और सुगर यानी कि दही, मुल्तानी मिट्टी और चीनी, इन तीनों को आपको मिक्स करना है। और जो चीनी आपको लेना है अच्छे से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। जो ये मैं पैक बता रही हूँ ये आपको फुल बॉडी वाइटनिंग पैक है, यानी फेस से लेकर के नेक से लेकर के पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो। अब इस पैक को हफ्ते में कितने बार लगाना है, इस पैक को आप चाहे तो डेली लगा सकते हैं, या फिर अगर आप वीक में 3 डेज भी लगाते हैं तो भी चलने वाला है, ठीक है। और कौन से एज से लगा सकते हैं, तो अगर आपकी उम्र 12 इयर्स की हो गई यानी 12 साल की हो गई है तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो वीक में 2 डेज फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। सारे स्किन टाइप्स के लिए बता दी, ऑयली कॉम्बिनेशन, ड्राई, हाँ ड्राई और सेंसिटिव वालों आपको मैं जो बताई हूँ ये सेम कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो है दही, मुल्तानी मिट्टी और सुगर पाउडर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। पिंपल्स और एक्ने जिनके स्किन के ऊपर है वो भी जो है आपको ये कॉफ़ी और जो ऑरेंज पील पाउडर इस्तेमाल की वो कर सकते हो, या फिर दही वाले के साथ और कर्ड जो है उसके साथ, और आप उसके साथ डाल सकते हैं सिर्फ कॉफ़ी पाउडर, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया। जहाँ तक बना करके स्टोर करने की बात है, उसको बना करके स्टोर करके रख सकते हो आराम से 3 to 4 days तक फ्रिज के अंदर, रूम टेम्परेचर में 1 to 2 days आप स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।